इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बकरीद पर छूट दिए जाने को लेकर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा है कि बकरीद के लिए 3 दिन की छूट क्यों दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आप जानते हैं कांवड़ यात्रा पर पहले ही रोक लगा दी गई है, सिर्फ सांकेतिक तौर पर बना दिया गया है। तो वहीं केरल में बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी जो दी गई थी उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सवाल खड़ा किया है और पूछा है केरल सरकार को नोटिस देते हुए कि ये 3 दिन की छूट आखिर क्यों दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बकरीद पर केरल सरकार को नोटिस दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि ये 3 दिन की छूट क्यों दी गई है। आप जानते हैं कोरोना का संक्रमण काल है और तीसरी लहर आ सकती है, थोड़ी सी लापरवाही यदि बढ़ती गई। ऐसे में अब पहले तो कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई, इसे सांकेतिक तौर पर मनाए जाने का पहले ही ऐलान कर दिया गया है सरकारों की ओर से, लेकिन अब केरल में जो बकरीद पर 3 दिन की छूट दी गई है इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। संवाददाता गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिस में क्या पूछा है? देखिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा सुओ मोटर था जो कोर्ट ने लिया था और उस पर सुनवाई थी और यूपी सरकार को पुनर्विचार के लिए वक्त दिया गया था। यूपी सरकार की तरफ से ये कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने कांवड़ यात्रा को रद्द किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम की सराहना भी की। लेकिन इसके साथ साथ 2 इंटरवेंशन कोर्ट में फाइल हुई, जिसमें एक इंटरवेंशन एडवोकेट विकास सिंह की थी, जिन्होंने कोर्ट में ये कहा कि अगर कांवड़ यात्रा को रद्द किया जा सकता है तो फिर केरल में बकरी ईद मनाने की इजाजत कैसे दी गई है, जबकि केरल में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 10% है और इसके अलावा पिछले दिनों में 13,000 केसेस वहां पर आए और सबसे ज्यादा केसेस अगर सभी देश के सभी राज्यों में देखा जाए तो वो केरल में है। ऐसे में ये जो 3 दिन की लॉकडाउन में छूट दी गई है सिर्फ बकरीद मनाने के लिए, उसे रद्द किया जाए, जिस पर केरल के वकील की तरफ से फिलहाल कोर्ट में जवाब मांगने के लिए जवाब फाइल करने के लिए वक्त मांगा गया है। और क्योंकि ये बकरीद जो है वो 2 दिन बाद ही है, ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि आज के आज ही इस मामले पर रिप्लाई फाइल किया जाए और कल जब कोर्ट बैठेगी तो सबसे पहला मामला ये बकरीद को लेकर यही सुना जाएगा कि आखिर बकरीद को लेकर क्यों इजाजत दी गई है। बिल्कुल गौनिका, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।